स्वागत है आपका दिल्ली की रेडियो स्टेशन में, और अगर आप जा रहे हैं मजनू का टीला तो सुनिए ये सॉन्ग। इस ओवरब्रिज को पार करके हम पहुंचे तंग गलियों में। मजनू का टीला नाम सुनकर तो लगा कोई रोमांटिक जगह होगी, मगर ये एक तिब्बतन मार्केट है। यहाँ इनके कल्चर से रिलेटेड काफी सारी शॉप्स थीं। इनके शो पीस बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ इनका एक टेंपल भी है। आगे बढ़ी तो यहाँ एक डिश बहुत ही ज्यादा फेमस है, लाफिंग। तो उसे तो मैं सोच कर आई थी कि मैं यहाँ आऊंगी तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। तो मैंने भी इन लेडी को ऑर्डर दे दिया अपने लिए एक प्लेट लाफिंग बनाने का। बनाने का तरीका भी काफी यूनिक था। थोड़ा जानने की कोशिश की कि ये बनता कैसे है। तो बेसिकली ये एक मैदे की रोटी टाइप होती है जिसके अंदर स्पेशल फिलिंग होती है। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, एकदम क्रंची अंदर से और बाहर से सॉफ्ट। बहुत ही ज्यादा तीखा होता है तो पहले ही आपको बताना पड़ता है कि तीखा कम रखना है। इसके बाद बारी आई इस जगह को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ मुझे यहाँ के लोकल लोगों के अलावा ज्यादातर यंगस्टर्स ही दिखे। शॉपिंग करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। काफी ब्रांडेड स्टोर लाइक H&M और ज़ारा यहाँ पर थे। कोरियन फूड तो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है तो वो भी यहाँ पर था। खाने के साथ साथ शॉपिंग के लिए भी एक अच्छी जगह है। यहाँ पर कोरियन फूड के लिए इतनी भीड़ लगी है तो मैं कैसे पीछे रहती। ये 100 रुपीस का है, ये 90 का है, और जो ये है ये सारे 10 के वेफर्स हैं बच्चों के लिए ले जाने के लिए ना। ले लूँ और इसके बाद वहाँ पर मैंने कुछ और चीजों के रेट ट्राई किए। मजनू का टीला बेसिकली एक तिब्बतन मार्केट है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, चारों तरफ तिब्बतन फूड तिब्बतन कल्चर से रिलेटेड शॉप्स आपको मिलेगी। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर यंगस्टर्स की, तो शॉपिंग के लिए ये एक अच्छी जगह है। ऐसा प्राइसी लगा मुझे, लेकिन तिब्बतन जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है उसके हिसाब से। फूड यहाँ का बहुत अच्छा है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ आकर मोमो ना ट्राई करें ये कैसे हो सकता था। यहाँ मोमो की अलग अलग तरह की वैरायटी है तो मैंने भी इन्हें टेस्ट किया। वेज नॉन वेज दोनों ही मिलते हैं यहाँ पर, और इनके टेस्ट की तो मैं फैन हो गई। अगर आप मोमो लवर हैं, बेस्ट मोमो खाना चाहते हैं तो मजनू का टीला एक बार जरूर आइए। दोस्तों अब मैं मजनू के टीले के एग्जिट पर पहुंच चुकी हूं, जहां से मैंने एंटर किया था और पूरा राउंड लगा के अब मैं एग्जिट पर आ गई हूं। उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।